मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी सरकार विरोधी लहर सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता ग्वालियर चंबल से होकर ही गुजरता है। प्रदेश में सरकार बनाने में दोनों संभागों की 34 सीटों का अहम रोल रहता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग के कारण बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह है। इस संभाग में सबसे ज्यादा नाराजगी दोनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ही देखी जा रही है। वहीं बीजेपी भी 2023 के विधानसभा चुनाव में इस संभाग में हारना नहीं चाहती है और इसके लिए प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। खुद पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाग की हर एक सीट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी भी लगातार एमपी का दौरा कर रहे हैं। मालवा और बुंदेलखंड के बाद अब पीएम मोदी ग्वालियर चंबल का दौरे के बाद संभाग में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की संभावना है, ऐसी उम्मीद पार्टी के बड़े नेताओं को है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक केंद्र ग्वालियर चंबल बना हुआ है। पार्टी की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण सिंधिया के साथ बीजेपी में आए उनके समर्थक और पुराने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। पार्टी के पुराने बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सिंधिया और उनके समर्थकों को पसंद नहीं कर रहे। वहीं सिंधिया की वजह से उनके राजनीतिक हित भी हाशिए पर चले गए हैं। पुराने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में अधिकतर नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक माने जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जमीनी नेता है और जमीन से उठकर अर्श पर पहुंचे हैं। वहीं सिंधिया अपने पुराने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए शाही राजनीति कर रहे हैं। सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी में एडजस्ट होने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। प्रदेश कार्य समिति की आखिरी बैठक का आयोजन ग्वालियर में किया गया था, जिसका मकसद था पार्टी में गुटबाजी को खत्म करना, लेकिन ऐसा अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पीएम मोदी की ग्वालियर में हुई रैली में पीएम मोदी के बगल में नरेंद्र सिंह तोमर को बैठने और सिंधिया के दूर बैठने के मुद्दे को भले ही सिंधिया समर्थकों ने कुछ ना बोला हो, लेकिन पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता इस पर कटाक्ष करने से नहीं चूक रहे हैं। अब तक अंचल की किसी भी राजनीतिक रैली में सिंधिया परिवार का एक छत्र राज देखने को मिलता था। पहली बार है कि किसी सभा में सिंधिया की मौजूदगी के बावजूद दूसरे स्थानीय नेता को महत्व मिला। ऐसे में गुटबाजी कम होने की वजह और बढ़ गई है। संभाग की राजनीति में सिंधिया और तोमर की हैसियत ऐसी है जैसे एक म्यान में दो तलवारें। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से महज 6 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस ने 26 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। यही कारण है कि बीजेपी मध्य प्रदेश के बाकी इलाके से ग्वालियर चंबल अंचल में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसलिए यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा अमित शाह और खुद पीएम नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बावजूद भी यहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। यही कारण है कि बीजेपी को भी लग रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में उनकी स्थिति ठीक नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण महाराज भाजपा और नाराज भाजपा को ही माना जा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गज नेताओं का जादू बेअसर होने के बाद अब पीएम मोदी जादू दिखाने के लिए ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को लेकर नेता कार्यकर्ता और लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंचल में पार्टी को मुसीबत से निकालने के लिए पीएम मोदी का ये जीत का मंत्र इस ग्वालियर चंबल अंचल को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा।